नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड उत्तराकाशे में अजणा अशुणा हो रही द्वादश शताब्दीर प्राचीन मंदिर शिला जगन्नाथ को नहीं आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची मु सूर्य लीलायम्बर ठाकुर से लीला वैधता कलेवर देव मानव अगचर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ लीलामय ठाकुर से क्योंठी के रूप से किपरी भाव पूजा पाइबे से कथा छड़ा आ का जना निजर आद्य सेवक राजा पुरुषोत्तम देवों मानरक्षा करने को से कलाधला घोड़ा चढ़ी पाइक बेश छुटी जाते कांच अभियान में भुज बढ़ई दासियार नड़िया नहीं और बंधु महांती भोग थाली जाची भक्तर अपमान सही नपारी से नंदीघोष रथ छाड़ी बलराम दास बाली रथ में भी विजय होते महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं एमती केते कथा केते कहानी आमे किंतु आज कहू शिला जगन्नाथ महिमा जी आज भी अनेकों पर अजणा आशुणा देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी ठार 6 किलोमीटर दूर रही ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दीर प्राचीन जगन्नाथ मंदिर जोठी श्रीजीव माने दारू विग्रह नुहंती बरं पथर रे गढ़ा चतुर्धा मूर्ति दिव्य देह बा कलेपर एवं आसतु से दिव्य धाम जीवा आ महाप्रभु शिला जगन्नाथ कहानी संपर्क में जानवा लीलामय शिला जगन्नाथ काठरी तैयारी मंदिर पथर रे गढ़ा ठाकुर चारिकड़े प्राकृतिक सबुजिमा पर्वत शिखर रे विजय मणिमा समुद्र पतन रु 3000 फुट उच्चरे विराजित अछंती चतुर्धा मूर्ति देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी में दिव्य मंदिर रही सालड गाँवर लोक मैंने शिला जगन्नाथ को वर्ष वर्ष धरी पूजा करुछंती प्रचार प्रसार ठारु दूर मंदिर एवं लोकलोचन को आसी महाप्रभु श्रीजगन्नाथ अपारतांकर महिमा हसरती तांको लीला खेला जा माया देवे अगोचर काहू जानिबे नरछार श्रीक्षेत्र रे से दारु ब्रह्म देवभूमि उत्तराखंड रे थिबा उत्तरकाशी रे किंतु से भिन्न दारु रे नुहे बरं दिव्य शिला रे गढ़ा चतुर्धा मूर्ति कलेवर काठरी तैयारी महाप्रभु मंदिर जोठी काही केउ कालरु चतुर्धा मूर्ति पूजा आराधना चली आसुछि प्राकृतिक सबुजिमारे भरा पहाड़ शिखरी रे एही मंदिर शोभा पाउथिबा बेले सालड गाँवर लोक माने एठारे प्रत्येह पूजा पाठ करि आसुछन्ति मात्र दुर्गम पहाड़ उपरे थिबा एही मंदिर संपर्क रे बाहर दुनिया अजणा रहिथिला तेबे जेतेबेले महाप्रभु निजे प्रकट हेबाकु चाहिबे तांकु बा रोकिबो कि शेषरे एई दिव्य मंदिर लोकलोचन को आसीछि जहाकु नै खुशी जाहिर करिछन्ति सालड गाँवर अधिवासी जगन्नाथ जी के गांव हमारे सालड गांव में जो है जगन्नाथ जी मेरे बड़े भाई साहब ने आपको बतला दिया होगा और यहाँ से जो है ये अन्नपूर्णी राजा है भगवान जो है मनोकामना सिद्ध करता है जो मन में चाहे वही जो है पूर्ण करते हैं विष्णु स्वरूप में जो है बालक रूप में जो है ये विष्णु स्वरूप में जो है हमारे जगन्नाथ जी विराजमान है तो वहाँ भी ठीक है यहाँ भी ठीक है सब आनंद उसका जड़ है यहाँ कैसे मानते हैं इसको मानते तो है यहाँ मन से मानते हैं और जो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ उत्सव में है वो उसका अंश यही है बस उत्तराखंड उत्तरकाशी में वर्षा ऋतुर एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य नवशुम्भी पहाड़ देहरे घसी हेउछि मेघमाला समुद्र पतन ठारु प्राय 3000 फुट उपरे रहिछि सालड ग्राम आउ एही गाँवर उपकंठरे रहिछि शिला जगन्नाथक सुंदर मंदिर पर्वत शिखर सहित समांतराल होइ दृश्यमान हेउछि मंदिर उपरे थिबा नीलचक्र
मंदिर भितरे शिला रूपरे पूजा पाउछन्ति जगतर नाथ श्री जगन्नाथ। स्थानीय बासिंदांकु छाडी देले 1200 शताब्दीर एहि मंदिर संपर्करे अन्य केहि जानि नथिले। मंदिरटी अत्यंत अवहेलित अवस्थारे रहिथिला। एहार प्रचार प्रसार हेउ नथिबारु उत्तराखंड जाउथुबा पर्यटक मध्य एहा संपर्करे जानि पारु नथिले। तेबे एक फिल्मर सुटिंगरे जाइ एहि मंदिर निकटरे पहुँचिथिले ओलीउडर कलाकार दंपति अर्चिता और सब्यसाची। आउ एठारे थिबा जगन्नाथ मंदिर देखि विमोहित होइ पड़िथिले। तार कौन गणना नहीं से स्वयंभू जेकि माटी तलू बाहर थिले आउ गोटे हलिया जिते बड़े हल करूला प्रभु पिठी उपरे हल बाजी जाइला से पत्थर उपरे से सातटी गार मध्य अच्छी आ जो पत्थर जो शिला तार जो आकार आपण जदि निरीखिक देखिबे सेटा कोठना कोठि हमर प्रभु आकार संगे समान अछि। ठीक तांकर एमति चारिकुनिया एमति गोटे मुह पाखरे दि हाथ पई जगह अछि आ जदि प्रकृत प्रभु मुह सेटी अंका जीव जोटा कि प्रभु रूप ही देखा जीव एवं ता सहित गोटे एमती गोटे विग्रह अछि जहाकू लोककथा एवं तांकर गाँव लोक माने तांकर कु आदि पुरुष रु सुनिचंती जे सेटा आदि शंकराचार्य 1200 शताब्दी पूर्व रु सेटा को स्थापन करथिले। प्रत्येकटे लोक बेसिकली मामू को बेसी विश्वास बढ़वार कारण होची नीलचक्र अच्छी सेठी आउ प्रत्येकटे लोक सेठी निज परिवार एवं आउ जगन्नाथ तांको छड़ा तांको किछि जणा नै जीवन रे तेणु से जगन्नाथ लीला एक प्रत्येकटे ओडिया मानक भितरे जतिके अछि सेठी मध्य प्रत्येकटे परिवार छुआठनी बड़ पर्यंत समस्त भितरे जगन्नाथ लीला अछि। माने आमे जिबा बाटरे चालिया बाटरे समस्त जय जगन्नाथ कहुथिबा आमे जेंदि नमस्कार कहू कि नमस्ते कहू कि गढ़वाल होची तांकर भाषा गढ़वाल भाषा रे तांकर लोकगीत ही होची प्रथम लोकगीत होची जोटि कि इष्ट देव जगन्नाथ है कि जय जयकार तेणु ए सब आस्था विश्वास देखला परे तो कोठ ना कोठ लागला कि जे हाँ आमरी प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरातन मंदिर को उत्तरकाशी एक प्रमुख पर्यटन स्थली करने उद्यम आरंभ करलीउड अभिनेता सब्यसाची अभिनेत्री अर्चिता और श्रीमंदिर छतीसा निजोग्र महानायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र। आगामी दिन में मोर राज्य सरकार को विशेषकर उत्तराखंड सरकार को मोर निवेदन जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु हूँ सारा संसार हूँ पालनकर्ता आउर एक भव्य मंदिर हूँ उत्तर काशी काशी विश्वनाथ मंदिर निकट अच्छी मंदिर को केमी प्रत्येक तार पारिपार्श्विक डेभलप कराऊ प्रत्येक भक्त से मंदिर सहित जोड़ी रहा एति मोर निवेदन रही। वर्षे तले श्रीमंदिर छतीसा निजोग नायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र उत्तराखंड भ्रमण में जाते स्थानीय लोकों ठारु सूचना पाई से एही जगन्नाथ मंदिर को जाई स्थिति पर रखिथिले। तेबे महाप्रभु मंदिर टी प्रचार प्रसार अभावरु कौनसी उन्नतिकरण होई पारु नथिबारु एहाकु ने तांको मनरे दुख आसीथिला। तेणु एहार प्रचार प्रसार पाई अभिनेता सब्यसाची को से अनुरोध करिबा परे सब्यसाची प्रचार प्रसार पाई उद्यम आरंभ करिछन्ती। विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम करी स्थानीय अंचल रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ संस्कृति रा प्रचार प्रसार कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ लीला सारा विश्व में देखा मिले। एमती शह शह वर्ष तलु सुदूर उत्तराखंड सालड गाँव में महाप्रभु पुरातन मंदिर एवं लोकलोचन को आसवापर यार उन्नति नहीं उद्यम आरंभ हो। रामकृष्ण बेनी जाँला भाई सान बड़ बारी हुंती नहीं बड़ ठाकुर श्रीजगन्नाथ बड़ भाई बड़देव रोहिणी नंदन रेवतीकांत हलायुध अनंत जुगे जुगे दुहिं एकाठी लीला खेला रामायण से सान भाई लक्ष्मण महाभारत से बड़ भाई बलराम स्नान पूर्णिम महाज्येष्ठ स्नान करते चतुर्धमूर्ति किंतु श्रीक्षेत्र में जिते पर्वपर्वाणी आउ जानीजात्रा सबुति श्रद्धा मैंने श्रीजगन्नाथ ना प्रथम नहीं था एवं बड़ भाई बलदेव जल लाग जा चली कावड़िया माने देवदेव महादेव को जलाभिषेक करी भक्ति नैवेद्य बाढ़ुंट श्रावणर प्रथम सोमवार अर्थात जुलाई 7 में श्रीला जगन्नाथ संपर्क में प्रथम सूचना रखिथिले अभिनेता सब्यसाची। श्रावणर द्वितीय सोमवार बेलू अजणा अशुणा थिबा श्रीला जगन्नाथ चारिआड़े व्यापी गला महिमा और कीर्ति नुआ रूप पाइब उत्तर काशीर शिला जगन्नाथ पीठ सौंदर्यकरण सह श्रद्धालुंक पाई
सुगम हेब पथ। महाप्रभु सबु पूजा पार्वण और रीतिनीति ठिकणा ढंगरे चलिबो। जेति कौनसी थिरे टिकिए भी खुण न रहे सेतिप्रति दृष्टि दियाजिबो। मंदिर संपर्क में सोशल मीडिया केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सूचना पाई उत्तराखंड मुख्यमंत्री एने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करथिले। सव्यर्चिता और श्रीमंदिर सेवायत मध्य आलोचना सह जोड़ी होइथिले। इसमें कहावत है जगन्नाथ संस्कृति में, जब तक भगवान को बुलावा नहीं आएगा भगवान जी की, उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ ढूंढ लिए, ऋषिकेश से कहाँ पहुँच गए उत्तरकाशी। मंदिर समस्त कार्य सुव्यवस्थित सह सौंदर्यकरण करने को मिलता बड़ प्रतिश्रुति। केन्द्रमंत्री आलोचना पर एने आग्रह देखा उत्तराखंड मुख्यमंत्री। कहा साल ये मेरे को रथ यात्रा में मिले थे, ये बहुत बड़ा साई आदमी है, मेरे परिवार के आदमी, लेकिन मेरे को नहीं बोले। बहुत धन्यवाद और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने एक ऐसा स्थान हम सब लोगों के, क्योंकि यहाँ तो स्थान तो पहले से ही था। जहार आज्ञा रे पर्वत जले भासई सोलमत, से श्री जगन्नाथ आरत नाशन दीनबंधु। जहा हे सबू से लीलामय इच्छा रे हमें खाली निमित मात्र। जेतेबेले महाप्रभु शिला जगन्नाथों लीला महिमा लोकलोचन को आसी सेतेबेले एही मंदिर हेब सौंदर्यकरण। एथिपाई उद्यम आरंभ होई एणिकी रीति नीति रे हेब शिला विग्रह पूजा अर्चना। उत्तरकाशी सालर पहाड़ श्रीजगन्नाथ पीठर विकास लागि उत्तराखंड मुख्यमंत्री आलोचना करथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ए हेउची सही आलोचना बेलर दृश्य। हमारी इसमें कहावत है जगन्नाथ संस्कृति में, जब तक भगवान को बुलावा नहीं आएगा भगवान जी की, उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर रक्षणाबेक्षण और उन्नति कार्य नहीं आज को ठीक सप्ताहक तले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बैठक होता। परे उत्तरकाशी एक जगन्नाथ मंदिर में पूजार्चना और नीतिकांति सुचारू रूपे होगा सह मंदिर सौंदर्यकरण होगा प्रतिश्रुति देते उत्तराखंड मुख्यमंत्री। ओडियां आराध्य देवता श्री जगन्नाथ मंदिर विकास पर तुरंत अनुरोध रक्षा करिवार उत्तराखंड मुख्यमंत्री को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धन्यवाद जनाइले आ महाप्रभु दर्शन पर पूरी आसवाकूम निमंत्रण कर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री आमको आश्वस्त कले जे आगामी दिन में सहीटा गोटे भल मंदिर भाव या गोटे तीर्थ क्षेत्र में परिणत कर आहरी सुबंदोबस्त से करेंगे तार दायित्व ने सब अधिकारी माने भी थे। उत्तराखंड को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को महाप्रभु जगन्नाथ अनेक अनेक आशीर्वाद करूँ यहाँ प्रभु पाखे कामना। आम पूरी आसवर भी निमंत्रण देलु पूरी से शस्त्रीकर टीम धरिक आसतु आम पूरी स्वागत करवा आम भी पूरी रु बंधु मानक जीवा धार्मिक एकत्रीकरण सह धार्मिक सूत्र एकाठी जोड़ा सह पर्यटन भी दुई राज्यर दुई अंचल विकास हम यहाँ गोटे बड़ उपलब्धि आज दिन में एजाए ए मंदिर रे श्रीजीव माने सप्ताह रे तीनी दिन पूजा पाउथुबा बेले चारि दिन अपूजा रहुथिले। ए संपर्क रे सोशल मीडिया रु जानिबा परे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निज आड़ तत्परता प्रकाश करी मंदिर रो सौंदर्यकरण सह पूजार्चना सुचारू रूपे करिबा पई उत्तराखंड मुख्यमंत्री सह आलोचना करथिले। फळरे आगोकु ए जगन्नाथ पीठर नवकळेवर हेबाकु जाउछि जहाकु ने निजर खुशी जाहिर करिछंती अभिनेता सव्यसाची। के साथ कह सकता हूँ कि देवभूमि में ये जगन्नाथ मंदिर एक नया पर्यटन स्थल बन सकता है, उतना सुंदर है ये परिवेश। और वहाँ पे जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसका जो इतिहास है और गांव वाले जैसे वहाँ पे जो लोक कथा है और जितने सारे कल्चर है अराउंड दैट जगन्नाथ टेम्पल इतने इंटरेस्टिंग है कि जब से हमने इस बारे में अपने सोशल मीडिया में या मीडिया में बोलना शुरू किया है लाखों भक्त है जो जगन्नाथ जी के वो हमारे सोशल मीडिया माध्यम से खाली हमें पूछ रहे हैं कि हम वहां पे कैसे पहुंचे। इस सबु परे एबे उत्तरकाशी जगन्नाथ मंदिर रु भाव विहुल कला भली किछि दृश्य सामना को आसी छि।
ଖୁସିରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରକାଶୀର ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀର ସାଲଡ଼ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାହା ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭଖବର ଆଣିଦେଇଛି। କେହି କେବେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଖୋଜ ପାଇଁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହି କଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାହାଡ଼ି ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ କୁଳଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସାଲଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ମଧ୍ୟ ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସାଲଡ଼ ଗାଁର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଦିନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ରାତାରାତି ଏମିତି ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହି ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁର ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଥିବା ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 17। ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 13,000 ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପାହାଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁରବୀ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପୁରା ମାହୋଲ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗେ ତେବେ ସେଠାକୁ କିଏ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଥିବା ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 17। ତେବେ କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗିରି ଶିଖରରେ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଉତ୍ତର କାଶୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହେ କଥା ଥିଲା ଅଜଣା। କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ସାଲଡ଼ ଗାଁ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜ ଭାବରେ ଆଉ ବାଗରେ କରୁଥିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଟିମ୍ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଆଗ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, 3,000 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହଜ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁକିଛି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନଟରାଜ ଚୌକ, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଏ 4 ଛକରୁ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ ଉତ୍ତର କାଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶିଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାମ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀ ଧାମ, ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରିବୁ ସିଧାସଳଖ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକାଶୀ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ, ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଅନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା ଅସୁମାରି ଆଶା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରି ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ବି ଅଂଶ ହେଲୁ। ଏହି ମିଶନ ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଟିମ୍। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳସମାଧି ନେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ବାଟରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀର ଦିବ୍ୟ ଓ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଟିମ୍‌କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେମିତି ଭାବବିହୀନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ସାଲଡ୍ ଗାଁ ଲୋକ ଓ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। स्थान है जहाँ पर इनका मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, इसकी शिला यहीं से उत्पत्ति हुई है और ये भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी हैं उनका अंश है। वहीं से जो हमारे यहाँ पूर्वज के लोग जो ब्राह्मण बताते हैं कि कुछ लोगों को संतान, एक व्यक्ति की कोई संतान नहीं, वो उपासक थे भगवान विष्णु के, तो वो यात्रा पे गए थे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी, तो भगवान ने जो है उनको ये वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे परिवार में, तेरे घर में जन्म लूंगा। अनवरत लागी रही थाई वर्षा, आम टीम किंतु से सब को खातिर न करी आग को माड़ी चलु थांती। आम टीम को लीड करु थांती श्रीक्षेत्र धाम पुरी निवासी तथा आम पुरी ब्यूरो मुख्य वरिष्ठ सांबादिक चित्तरंजन महांती। तांको साथीरे थांती कैमरा पर्सन अविनाश। आम टीम को देखी खूब खुशी अनुभव करिथिले स्थानीय लोक माने। से अनुभव होची प्रभु दर्शन करिबा परे केवल जदि प्रभुंकर शिलारे केवल रंग संयोग करा जीव, अर्थात तांको जो बनक लागी करा जीव, श्रीमुख श्रृंगार करा जीव, महाप्रभु कालिया ठाकुर नीलकंदर में बसिथिबा उत्कलीय मानकर रक्तर ठाकुर को जो भली भाव में पूजा अर्चना करा जाउची से भली करा जीव, जदि से भली ठाकुर को जेमिति श्रीमुख श्रृंगार करा जाउची रत्न सिंहासन उपरे जदि सेहिबळी श्रीमुख श्रृंगार करा जीव ये मध्य तांकरि भळी चिक चिक देखा जीवे। पुरी जगन्नाथ मंदिर सह उत्तरकाशीर एही पुरातन मंदिरर संपर्क रहिछि। अनेक वर्ष तळे उत्तरकाशीर जणे निसंतान भक्त पुरी श्रीमंदिर को आसी जगन्नाथक निकटरे संतान टिए पई गुहारी करथिले आउ महाप्रभु भक्तर मनस्कामना पूर्ण करथिले। तांकर पुओटी होइथिला ହେଲେ 10-11 ବର୍ଷ ପରେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଭିତରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିବା ଶପଥକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଶପଥ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଜଣକ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଆଗରେ ଏଭଳି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ବଖାଣିଥିଲେ ସାଲଡ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। वाली भाषा में शेमा को टोकर बोलते उसको, उस खेत में खेलते खेलते जो अदृश्य हो गया, उसको जमीन ले गया, आसमान उड़ा ले गया, तो फिर उसको सपना आता है कि देख तू अपना कॉल भूल गया, तेरा बच्चा जो है अवतार लेने वाला है, मैं अवतार लेने वाला है, अवतार लेने वाला है, तो यहीं इस मंदिर के परिसर से 35 फीट की दूरी पर जो है दूसरा खेत है, वहाँ पर एक हलिया हल लगा रहा था, उसको जो है ये आवाज़ आई कि देख भाई हलिया तू इधर उधर, तो बेशक लगा हल लेकिन बीच में मत लगा, लेकिन वो नहीं माना, फिर उसने कूड़ कबाड़ में इकट्ठा किया और बीच में जलाना शुरू कर दिया। उसको रोकने के लिए जो भौरे आए मधुमक्खियाँ उस पर आक्रमण किया, वो बेहोश हो गया, उसके बाद वो शायद पूरा भी नहीं जला पाया उसको जो कूड़ करकट कर रहा था इकट्ठा। फिर गांव में जो है महामारी अकाल पड़ना शुरू हो गया, वो हुआ क्या, फिर जो है उसको स्वप्न जाता है कि देखो मैं उस खेत में उस भूमि में जो है प्रकट हो रहा हूँ, सब लोग आए देखा तो वहाँ स्वयंभू जो मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति है 12वीं शताब्दी से पूर्व की, वो आज भी मंदिर में प्रतिष्ठित है स्वयंभू मूर्ति। ପୁରା ତିନି ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ଆମ ଟିମ୍ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶିଳା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଓ ଆଚାର ବିଚାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲେ,
तबे आमो टीम फेरिबा बेळकु सालड गाँर लोकमाने आमको भावपूर्ण विदाय जणाइथिले। विश्व ब्रह्मांडर नायक हेउछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ। सर्वव्यापी ठाकुर से सबुठी, सर्वव्यापी ठाकुर से सबुठी अछन्ति। थांकर महिमा अपार, असरन्ति तांकर लीला खेला। केतेबेले केउ रूपरे केउठी से विराजमान करन्ति से कथा साधारण मनुष्य पाई बुझिबा असंभव। समस्तंग प्रचेष्टारे उत्तराखंड उत्तरकाशी सालड गाँर एही शिला जगन्नाथ मंदिरर उन्नति होइपारिले। उत्तराखंड आसुथिबा पर्यटक माने मध्य एही मंदिरकु आसी महाप्रभुंक दर्शन करिपारिबे। एही तो आशा आमर। ए मुलक पहाड़ चारों धाम मेरा, ये मुलक पहाड़। श्री जगन्नाथ कहानी को यूट्यूब रखुचु। नमस्कार।